अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक करके जैसे मज़े के अंदर ही होंगे। तो बॉयज़, लास्ट नाइट करीबन सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी और उसके बाद शाम का वक्त था। प्लान तो हमारा ये था कि यहाँ से हम आठमुकाम की तरफ जाएँ। इस वक्त हम नुसैरिया डैम के ऊपर है और यहाँ से फिर हमारा जो अगला स्टे होगा वो इंशाल्लाह ताला अपर नीलम वैली की तरफ होगा, जिसका रास्ता यहाँ से अपर नीलम वैली तक करीबन 100 किलोमीटर को बनता है। चलते हैं सबसे पहले नुसैरिया डैम की विज़िट के लिए, उसके बाद अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर परसों आपको केल अड़ंग केल का जो है रास्ता भी देखने को मिल जाएगा और देते हैं आपको सारी रोड्स की अपडेट। होटल्स की जो है सबसे पहले मेन बात आ जाती है कि आपको नुसैरिया डैम से पहले होटल्स भी नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर एक सिंगल होटल था जिधर हम रुके, जहाँ की होटल के रूम से ज़्यादा इन लोगों की सर्विस कोऑपरेटिव है। इधर के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। वैसे भी मैं जो है नथिया गली मरी भी रुका हूँ, नथिया गली नारान, और पिछले साल मैं सवात वाली साइड पर भी गया था। तो वो लोगों का इतना रवैया पसंद नहीं आया जितने कश्मीर के लोग कोऑपरेटिव हैं। तो यहाँ पर ये होटल भी अच्छा है। अगर आप आएँ, आपको नुसैरिया डैम से आगे जाने का ना बने तो आपको होटल की टेंशन नहीं लेनी। इधर ये जो होटल है ये मौजूद है। इस होटल का नाम भी आप देख सकते हैं। ये जो इस वक्त आप ट्रिप देख रहे हैं 542.3 का, ये हमने लगाया था लाहौर से, सही है। और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जो है 19 डिग्री है। गाड़ी की आपको एवरेज दिखा दूँ पहाड़ों के ऊपर की, तो 542 ये पहले की है। 13 की एवरेज, 13.2 लीटर की एवरेज गाड़ी ने दी है। और विद एसी भी गाड़ी यही दे रही थी, विदाउट एसी भी गाड़ी यही दे रही थी। और ये गाड़ी की आ जाएगी अभी रेंज 466 किलोमीटर, क्योंकि टैंक हमने फुल टाइम फुल ही रखा है। यहीं से ही अब अपना नेक्स्ट सफ़र कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको लास्ट में बताएंगे कि लास्ट अपना सफ़र कितना था। तो यहाँ से बस अब निकलते हैं। अब हम अपने सफ़र केरन अपर नीलम वैली की तरफ। और अगर आपने हमारा कल का सफ़र नहीं देखा, जो कि शुरू होता है लाहौर से मुजफ़राबाद तक का, नुसैरिया डैम तक का, तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर कर या अकाउंट पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक लाजमी करते जाएँ। अभी ये 13.4 है। जैसे जब 30 किलोमीटर पूरा हो जाएगा तो फिर अपना आ जाएगा आठमुकाम एंड देन फिर वहाँ से हम केरन की तरफ चलेंगे। कैमरे को लगा देते हैं इधर और चलते हैं अपने te convierte en fiera una mano arriba cintura sola da media vuelta y sacude el culo no te quite ahora यहाँ से मुजफ्फराबाद का रास्ता करीबन 15 किलोमीटर रह गया और खूबसूरत सड़क के साथ आपको पेट्रोल पंप्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नसरी डैम के पास आपका जो सड़क का रास्ता जितना भी आता है ये आपका जो है नरिया नीलम के साथ साथ चलता रहता है और ये सिलसिला जो है आपका कश्मीर के आखिरी पॉइंट ताऊबट तक ये सिलसिला आपका चलता रहता है। पेट्रोल की रिफ्यूलिंग के बाद आप करीबन आठमुकाम से 10 किलोमीटर की दूरी से पहले आप इस चौक से कुंडलशाही वाटरफॉल की तरफ ऑफ भी ले सकते हैं, जहां से आप अगर मुड़ जाएँ तो कुंडलशाही वाटरफॉल आ जाएगी और अगर आप सीधा जाएँ तो वो आपका आठमुकाम और केरन का रास्ता ही चलता रहेगा। और चौक से मुड़ने के बाद अगर आपने कुंडलशाही जाना तो ये आपका करीबन 10 मिनट का रास्ता जो कि 5 किलोमीटर है, जिसके अंदर के आपका रास्ता जो है कहीं से ऑफ रोड भी होगा, कहीं से पक्का भी होगा, लेकिन आपकी गाड़ी इजीली वहां से जा सकती है। तो ये है कुंडलशाही वाटरफॉल। तो इधर आने के लिए आपको अपने रोड से ज़रा 5 किलोमीटर ऑफ होना पड़ता है, तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड रास्ता होता है, उसके बाद ये आ जाती है अपनी कुंडलशाही वाटरफॉल। बहुत बड़ी वाइड है ये, कैमरे के अंदर शायद आपको ना हो रहा अंदाज़ा। तो ये भी एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, जो लोग केरन आठमुकाम की साइड पर जाते हैं तो वो इधर आके ज़रूर देखते हैं। ये है कुंडलशाही वाटरफॉल। इस यहाँ पे करीबन 10-15 मिनट बैठ के वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर हम अपना केरन का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे पर्सनली इतनी जगह कुछ खास नहीं लगी, प्यारी है माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे से अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू करूँ। इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपनी केरन जाके वहाँ से फिर बाकी की आपको अपडेट्स दूँ। तो गाड़ी पकड़ लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम वापस अपने रूट के ऊपर, एंड देन वहाँ से फिर केरन और आठमुकाम का थोड़ा ही रास्ता रह जाएगा। सो लेट्स गो बॉयज विद दिस रूट। और इस रास्ते से वैसे भी आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि किस तरह का जो है 5 किलोमीटर का पैच है, लेकिन ईजिली हर गाड़ी उधर भी खड़ी हुई मैंने देखी और ईजिली हर गाड़ी जा भी सकती है। तो बस ये आगे वो चौक है जहाँ से हम कुंडलशाही के लिए मुड़े थे। जो ब्लैक गाड़ी मुड़ गई है, ये रास्ता आपका वापस नसरी डैम को जाएगा और सीधा रास्ता जो है आपका केरन की तरफ आठमुकाम की तरफ जाएगा। ये केरन के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, ये बिल्कुल शुरू का है, तो यहाँ से ज़रा नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट सफ़र के ऊपर जो कि है अपर नीलम वैली का। तो टाइम भी ऑलमोस्ट 9:32 हुआ चलता है और हम सुबह के करीबन 7 बजे के निकले हैं घर से, तो देखते हैं क्या बनता है आगे जर्नी का। तो केरन से नाश्ते के बाद हम इधर ज़रा दरिया वाली साइड पर ऊपर आए, तो हमें आगे पता चला केरन के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान शुरू हुआ। तो ये सारा अपना है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के झंडे एज अ प्रूफ, और वो सामने जितना भी एरिया वो इंडिया का है, और ये इंडिया का आप झंडा भी लहरता देख सकते हैं, लहर नहीं रहा। और ये अपना नीलम दरिया, दरिया नीलम। ज़रा 5-10 मिनट के स्टे के बाद यहाँ से निकलते हैं हम अपर नीलम वैली की तरफ, वो यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है। उसके बाद फिर वहाँ की आपको रोड एंड बाकी की अपडेट्स देते हैं। पाकिस्तान, इंडिया। तो ये अपना किरण आ गया, ये नीलम वैली एंड देन ये इंडिया का मुकाम, ये LOC है। तो यहाँ से अब हमने ये जो आप मुकाम देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे, ये जो जूम किया मैंने, इस वाले पहाड़ के ऊपर जाना है और ये कहलाता है अपर नीलम वैली। तो यहाँ पे जाने का सफ़र करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं गाड़ी की तरफ और देते हैं नेक्स्ट अपडेट्स। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप राइट से सीधा चले जाएँ तो ये शारदा और खेल की तरफ जाएगी, जिसका सफ़र इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। और अपर नीलम के लिए ये रास्ता है जिसकी चढ़ाई बहुत ही हैवी किस्म की है, लेकिन आपकी हर किस्म की गाड़ी ऊपर जा सकती है ईजीली। जितने सड़क के अंदर शार्प कट्स हैं और जितनी इस सड़क की चढ़ाई है, तो उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड जो है ज़रा थोड़ी हाई रखी है, जो आपको ज़रा कैमरे की टर्बुलेंस से भी पता चल रहा होगा कि ये किस टाइप की सड़क है, और गाड़ी की आपको वैसे भी स्पीड से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। केरन से अपर नीलम वैली तक की सड़क जो है बेहतरीन किस्म की बनी हुई है, जिससे जो है आपकी ड्राइव और ज़्यादा स्मूथ और मज़े की हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको पावर गाड़ी की बना कर ही चलना पड़ता है। नीलम वैली ये पाकिस्तान है सारा, ये सारा इंडिया। अच्छा, किरण के मुकाम के अंदर यही है जो अपर नीलम वैली की ब्यूटी है, जिसके लिए लोग इतनी ख़तरनाक किस्म की सड़क के ऊपर से ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की खड़ी सड़क नहीं देखी। बट स्टिल ये था कि सड़क साफ थी, इसलिए हमें काम ज़रा ज़्यादा ईजी हो गया। बाकी व्यू इधर का बहुत अच्छा और हवा टेम्परेचर लाहौर के हिसाब से इधर का बहुत ज़्यादा कूल है। लाहौर के अंदर चल रहा था 30-32, यहाँ पे चल रहा है 17, 18, 20। दोपहर के वक्त इधर गर्मी हो जाती है और शाम के वक्त इधर सर्दी, रात को बारिश हो जाती है तो सुबह फिर और ज़्यादा सर्दी हो जाती है। रूम, होटल और रेस्ट के बाद इस वक्त बिल्कुल ही हम फ्रेश अप हो चुके हैं। तो वही अपर नीलम वैली तो, लेकिन अब यहाँ से मिशन है कि अपर नीलम वैली का जो ऊपर का ग्राउंड है, जो प्ले एरिया, जो कि बड़ा सा ग्राउंड खुला सा जो है, उधर जाना है। तो उधर जाने की तैयारी है, तो वहाँ की आपको रोड कंडीशन भी दिखाते हैं और वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं कि वहाँ का व्यू हमें क्या कहता है। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाह, चलिए सी गड्डी स्टार्ट। तो लेट्स गो, इधर कैमरा लगा देते हैं और आप रिकॉर्डिंग। केरन से अपर नीलम वैली का कुल सफ़र जो है करीबन 10 किलोमीटर का, और आपकी ऊपर थोड़ा सा आबादी वाली साइड पर आकर होटल ले सकते हैं, एंड इसके बाद आप ऊपर टॉप के ऊपर पार्क वाली साइड पर भी जा सकते हैं, जिसका रास्ता यहाँ से करीबन 4 से 5 मिनट की दूरी के ऊपर है, जहाँ से व्यू और नज़ारे जो हैं आपके और ही ज़्यादा दिलकशिश हो जाते हैं। इस वक्त मैं अपर नीलम वैली के सबसे जो टॉप का एरिया उधर खड़ा हूँ। हवा क्योंकि इतनी तेज़ है, आपको आ रही हो ना आ रही हो ये मैटर नहीं करता, इधर का सीन मैटर करता है। ये चेक कर, इधर से ऊपर अब और कोई पॉइंट नहीं है। दरख्त, ये जो पहाड़ है ये इस पहाड़ का एंड है, बाकी वो दूसरे पहाड़ हैं जो सामने थोड़े बहुत ऊँचे नज़र आ रहे हैं, और वो सामने LOC इंडिया के पहाड़ हैं सारे। नज़रिया देखें, ये अपर मैंने साथ ही रखा हुआ है क्योंकि इधर 2 मिनट से पहले ही सर्दी लगना शुरू हो जाती है तो ये पहन लेते हैं, जब गर्मी लगती है तो फिर इसको उतार उस वक्त अब सर्दी लग रही है, ये रिकॉर्डिंग बंद करके मैं फिर ये अपर पहन, बाकी आप देख लें। और ये वाले जो आप होटल देख रहे हैं ये जो हैं रेड कलर की छत वाले, तो ये होते हैं गवर्नमेंट के होटल। तो इनकी बुकिंग के लिए आप मुजफ्फराबाद से करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की आप इन होटल्स की बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ से इनकी कोई बुकिंग वगैरह नहीं होती है, वहीं से बुक होते हैं 4-5 हज़ार रुपये के, एंड देन आप यहाँ पर आके रह सकते हैं इजीली। फ़िलहाल इसी व्यू के साथ आज हम अपना ब्लॉग यहीं पर ही करते हैं, एंड उम्मीद है कि आपको ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं फिर हम आपसे अनदर ब्लॉग अनदर वीडियो के साथ। एंड इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब आपसे सुबह, जब हम यहाँ से निकलने लगेंगे केल के लिए, अडंग केल के लिए। शारदा से पहले, शारदा के बाद केल आएगा, फिर उधर से हाइकिंग करके अडंग केल, तो वो भी जो है वो मेन जर्नी है अपनी। तो वो व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो वीडियो आपके पास नहीं पहुँचेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सबको आज के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड मिलते हैं फिर आपसे ब्लॉग अनदर वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।